दोस्तों, आज से ठीक 23 साल पहले 1999 में जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहा था, 24 दिसंबर की शाम एक मनहूस खबर लेकर आई। ये खबर थी IC 814 फ्लाइट के अचानक शाम को मिस हो जाने की। बता दें कि 24 दिसंबर शाम 4:30 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, अपहरणकर्ताओं ने फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी थी। आइए जानते हैं क्या थी पूरी घटना। थोड़ी ही देर में दुनिया को पता लग चुका था कि भारतीय विमान हाईजैक किया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुककर लाहौर के लिए रवाना हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार से अनुमति के बगैर विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। यहां लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का ये अपहृत विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार में लैंड हुआ। 180 यात्रियों से भरी इस एयरबस के हाईजैक होने की खबर से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों बाद आतंकवादी अपनी मांग रख चुके थे। इससे पहले वो एक यात्री 25 साल के रूपण कात्याल चाकू से गोद कर मार चुके थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर जाने की इजाजत दी गई। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थीं। मीडिया में आ रही खबरें और दबाव बना रही थीं। यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन सबके बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ ही $20 करोड़ की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे। फिर तालिबान के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी, लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह अड़े हुए थे। हाईजैक हुए विमान में भारतीय यात्री ज्यादा थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इसमें सवार थे। सरकार पर इस घटना का दबाव इस कदर था कि तत्कालीन एनडीए सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करना पड़ा था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद झरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे।